हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे साथ एक लैपटॉप आया हुआ है, लेनोवो लैपटॉप है इसका। ये योगा सीरीज है, ये देखो मैं आप टच स्क्रीन में ये लैपटॉप होता है इसका योगा वाला, ये टच स्क्रीन लैपटॉप है। ये मॉडल देखोगे लेनोवो योगा 500 इसका मॉडल है। ये ग्राफिक में है, i5 मशीन है, ये 6th जनरेशन होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हम आपकी इसकी प्रॉब्लम यदि बताएं तो ये कुछ समय के बाद ये ना झिलझिलाहट शुरू हो जाती है इसकी, ये फटाफट डिस्प्ले हो जाता है। तो किस चीज की प्रॉब्लम होती है? ये प्रॉब्लम होती है आपकी ग्राफिक से भी रिलेटेड होती है और रैम की वजह से भी ये हमारी प्रॉब्लम होती है। देखोगे आप ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, तो ये रैम की वजह से भी हो सकते हैं और हमारे ग्राफिक की वजह से भी होती है। तो हम आपको दिखाते हैं, पहले सबसे पहले हम रैम को हटा के लगाते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है। चलो हम चेक करते हैं कैसे इसका मदरबोर्ड हम खोलते हैं और कैसे इसको हम रिपेयर करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, एक सविनय निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। तो हम आपको दिखाते हैं कि लैपटॉप को कैसे चेक करते हैं। फोर्सली सर बंद करते हैं, वैसे तो ये होगा नहीं क्योंकि अब हमारी प्रॉब्लम आ गई है मदरबोर्ड में। फोर्सली बंद करके हम इसको खोलते हैं। खोलना बहुत इजी होता है, ये पीछे से सारे स्क्रू हम इसके खोल लेते हैं। ये आप देखोगे ये हमारा मदरबोर्ड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी देखो आप ये हमने फोर्सफुली बंद किया तभी बंद नहीं हुई। तो सबसे पहले मदरबोर्ड पे काम करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें। जो करंट का फ्लो होता है वो इससे ब्रेक हो जाता है। बैटरी आपकी डिस्चार्ज भी हो फिर भी आप सबसे पहले लैपटॉप की बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं मदरबोर्ड से। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो ये फटा हुआ डिस्प्ले आ रहा है किस कारणवश हो सकता है। हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था ये रैम की वजह से भी होती है, ये यहाँ पे इसकी रैम होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी रैम हटा के साफ करके लगाते हैं, जो इसके ये आप देखोगे गोल्डन कलर वाले होते हैं तो इनकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि रैम को साफ कर लेते हैं। यदि हमारे पास इरेजर वगैरह हो उससे अच्छे से साफ कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इरेजर से साफ करने से ही ज्यादा अच्छे से पिन की ये क्वालिटी साफ हो जाती है। हमारे पास पेंसिल मिटाने वाली उससे साफ करते हैं, ये बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। जो हमारी इस पिन पे कुछ गंदगी वगैरह होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम करता है। हम दोबारा रैम लगाते हैं और अब की हम इसको बैटरी पे नहीं चेक करेंगे, चार्जर पे करेंगे। पैक करने के बाद ये रैम लगाने के बाद देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है या नहीं होती है। अभी तो ये आप देखोगे आ रहा है, हम एक बार इसको शटडाउन करेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है। जब हम रीस्टार्ट कर देते हैं मशीन को या ये चलते चलते भी प्रॉब्लम आ जाती है, एक दो मिनट चलने के बाद ये प्रॉब्लम आती है इसमें। हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है, अब एक बार हम इसको रीस्टार्ट और करके देख लेते हैं, तभी ये प्रॉब्लम तभी भी आती है। तो हम रीस्टार्ट करके देखते हैं इसको, ये रीस्टार्ट हो रही है हमारी मशीन। उसके बाद यदि ये प्रॉब्लम करता है तो फिर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये रेडी हो जाता है हमारा लैपटॉप। तो हमारा रैम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। यदि आपके पास ऐसा कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। यदि आप काम करने वाले बंदे हैं, लैपटॉप यदि आप खोल सकने की अक्षमता रखते हैं तो आप रैम हटा के साफ करके लगा सकते हैं। नो डिस्प्ले में भी ऐसा होता है कि हमारी मशीन जब नो डिस्प्ले में हो तो हम ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा करने का, जो हम घर पे ही कर सकते हैं। यदि ऐसा हो तो आप कर सकते हैं, ये सूरज कंप्यूटर्स आपको सलाह दे रहे हैं। यदि आप काम कर सकते हैं तो इतना करके आप देख सकते हैं घर पे ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये अब हमारा चल रहा है वीड लैपटॉप, तो हमें उम्मीद है कि ये चल जाएगा। रैम की वजह से थी, रैम क्या होता है लूज हो जाती है कभी कभी, उसके जो हम गोल्डन पिन आपको दिखाए थे उस पर गंदगी जम जाती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी मशीन अब रेडी हो गई है, ये प्रॉब्लम रैम से ही था। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।